नागरिकता के सवाल पर जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, CAA, NRC, NPR के विरुद्ध देश में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, उसमें जुड़े हुए लोग सोच रहे हैं अब आगे क्या करना है। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देने के लिए मैं बात रख रहा हूँ। 4 तारीख को देश भर से जितने भी लोग इन प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो दिल्ली में इकट्ठे हुए, बहुत गणमान्य लोग जुड़े उसमें, राजमोहन गांधी, गणेश देवी, तीस्ता सेतलवाड, हर्ष मंदर, सईदा हमीद, और देश भर से इन प्रोटेस्ट से जुड़े हुए कोई 100 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधि, सब हम भारत के लोग बैनर से इकट्ठे हुए। ये कोई अलग से संगठन नहीं है, देश भर में जो आंदोलन चल रहा है उसको समन्वित करने का, कोऑर्डिनेट करने की एक कोशिश है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से हम सब लोग 19 दिसंबर से इस पर काम कर रहे हैं, और सब लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया, सबसे महत्वपूर्ण फैसला जिसे आपको लागू करना है, और वो है NPR का बायकॉट, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो भारत सरकार 1 अप्रैल से लागू करने जा रही है, जिसमें पहले लोगों के डिटेल्स मांगे जाएंगे, बाद में उसको NRC से जोड़ा जाएगा जो कि CAA से जुड़ा हुआ है। तो हम सबकी मान्यता थी कि अगर इस देश की इस असंवैधानिक बात को रोकना है, असंवैधानिक CAA, असंवैधानिक NRC को रोकना है, तो एक ही तरीका है, NPR को रोका जाए, NPR का बायकॉट किया जाए। सिविल डिसोबीडियंस, अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, जो महात्मा गांधी ने कहा था, सिविल नाफरमानी की जाए। ये मूवमेंट, इसकी तैयारी के लिए हमने घोषणा की है 22 फरवरी से 23 मार्च तक पूरे देश में 1 महीने तक तैयारी की जाए, संवाद किया जाए, कार्यक्रम किए जाएं, लोगों तक संदेश पहुंचाया जाए। 22 फरवरी जो मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का की बरसी है, और 23 मार्च जो भगत सिंह की शहादत का दिवस है, और इसके बीच में आता है 8 मार्च जो कि महिलाओं की इस आंदोलन की शानदार जो भागीदारी है उसका दिन रहेगा। होली का दिन आएगा जो कि सभी समुदायों के सद्भाव का, एक साथ मिलन का दिन रहेगा। इन तमाम दिनों को जोड़ते हुए महीने भर हम अब डोर टू डोर करेंगे, संवाद करेंगे, लोगों तक इसकी सच्चाई पहुंचाएंगे, ताकि 23 मार्च तक हम सब एक साथ हो जाएं, और फिर 1 अप्रैल से पूरे देश में सिविल नाफरमानी हो। हम अपील करते हैं सभी नागरिकों से, अपील करते हैं सभी संगठनों से, अपील करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, जो विपक्ष की पार्टियां राज्य सरकारों में हैं उनसे भी अपील करते हैं, वो सब मिलकर इस सिविल नाफरमानी, सभी ने अवज्ञा का हिस्सा बने। याद रखिए, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में संविधान, मन में अहिंसा और जनगणमन का गान, बस इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।